नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुल्तानी तूफान में। दोस्तों, सावन मास प्रारंभ हो चुका है। शिव भक्तों के लिए सावन महीना शिव जी की आराधना के लिए अति उत्तम महीना है। ऐसे में शिव भक्त मीलों दूर से कावड़ एवं गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं। श्रद्धालु हर की पौड़ी से माँ गंगा में स्नान कर पवित्र गंगा जल लेकर पैदल यात्रा कर अपने अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण कावड़ यात्रा हरिद्वार में स्थगित कर दी गई है। तो दोस्तों, ऐसे में हर की पौड़ी पर क्या स्थिति है, चलकर देखते हैं। अब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही गौ माता के दर्शन हो गए हैं। नाई घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। सामान्य से भी कम श्रद्धालु आपको यहाँ दिख रहे हैं। बहुत कम श्रद्धालु यहाँ नजर आ रहे हैं। हर की पौड़ी घंटाघर का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार कावड़ लेने आ रहे हैं, आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हरिद्वार में कावड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। लेकिन आपके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है या वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं तो हरिद्वार आ सकते हैं। पर स्मरण रहे, आप केवल यात्री बनकर आ सकते हैं, कावड़ लेने नहीं। दोस्तों, गंगा मैया में स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ हर जगह पहले से कहीं ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। माँ गंगा के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। वहां प्राचीन ब्रह्मकुंड स्थित माँ गंगा मंदिर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सावन में माँ गंगा के दर्शन कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और बने रहें हमारे साथ सुंदर जानकारी के लिए। नमस्ते।